बेटा, आशी बेटा आ जाओ, गर्मा गर्म पराठे बनाकर देती हूँ नाश्ते में तुम लोगों को, जल्दी से आ जाओ। तो एक दिन होता है यार छुट्टी का, उसमें भी ये अपनी खटारा लेकर बैठ जाते हैं। क्या शोर मचा रखा है, आग लगा दूंगा इसी दे, जाग रोको यार इनको। ये जो कुछ तुम यहाँ बोल रहे हो ना, बाहर जाके बोल के दिखाओ, वहाँ तो तुम्हारी आवाज ही बंद हो जाती है। एक तो तुम्हारी अम्मा को सुकून नहीं है, सुबह सुबह नींद खराब कर देती है। अरे नहीं खाने पराठे यार। नौमी तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, हालात तो पहले जैसे नहीं रहे। कल भी मुझसे पूछ रहे थे कहाँ गई थी, क्यों गई थी, क्या कर रही थी। घर में अगर किसी को पता चल गया ना तो कयामत आ जाएगी। करता हूँ कुछ, अब तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई आप भी आ जाएं, बाद में सही कर लीजिएगा बाइक, साथ ही नाश्ता कर लें, साथ ही फारिग हो जाएंगे काम करके सारे। ये कौन? अफीस रोक इनको जरा, अफीस रोक इनको। हेलो भाई, कच्चे लोग डकैत पकड़े। हाँ मशकूक लग रहे थे, चीजें बरामद हुई है, जल्दी से फोन बैकअप भेजो। हाँ छोड़ दे अफीस, छोड़ दे इनको। दानिश एक बात तो बता। हाँ ये नौमी किधर है? बड़े दिन हो गए इससे मुलाकात नहीं। हाँ यार मैं भी यही सोच रहा हूँ,
कि आजकल लोमी है किधर। एक काम करते हैं, उसके घर चलते हैं, पता हो चले कि वो आजकल है कहाँ। ऐसे कैसे भूल सकता है हम दोस्तों को। हटा बे, आजकल किसी के पास दो पैसे ज्यादा क्या आ जाते हैं, उसको पता नहीं क्या समझने लगते हैं। देखी नहीं तूने नोमी की टशन। बोल तो वैसे सही रहा यार। अरे शेरी, कैसे हो? वैसे आप भी हमें नई जॉब के बाद भूल ही गए हो। मेरे मुंह मीठा कर, परमिशन आ गई है मेरी। तेरा भाई ऐसे सब इंस्पेक्टर बन गया। अरे माशाल्लाह शेरी, वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तूने यार। अल्हम्दुलिल्लाह यार। भाई वैसे कहते हैं पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी। छोड़ो यार, कुछ काली भेड़ों को वैसे पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हुआ है। तुम लोग बस दुआ करो यार, हमारे मुल्क के कुछ इदारे ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। छोड़ो, तुम लोग मीठा खाओ। अबे तुझे तो खिलाने थे भाई। ना खिलाना यार, और तुम इसी तरीके से हमें मीठा खिलाते जाओ, हम तुम्हें भी देते जाएंगे। वालेकुम सलाम। बैठा जी मैम। मुझे गोल्ड की चेन और कुछ रिंग्स दिखाते हैं। आपको पार्टी वियर चाहिए या डेली वियर चाहिए? मुझे ओकेजन के हिसाब से चाहिए, कैजुअल पसंद आई तो वो भी ले लूंगी। जी ठीक है। यूनिक कलेक्शन, इसमें आपको और भी डिफरेंट डिजाइन मिल जाएंगे। ये हमारी शॉप का लेटेस्ट कलेक्शन है। इतनी कुछ खास नहीं है, कुछ और दिखाएं अच्छा सा। जी बिल्कुल, मैं कुछ और दिखा देता हूँ। जी मैम, आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आया? कुछ खास नहीं है इसमें ना। कोई बात नहीं, हमारे पास और भी कलेक्शंस हैं। नहीं नहीं, मैं अपने हस्बैंड से जरा मशवरा कर लूँ, वो बाहर खड़े हैं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, कहाँ रह गई थी यार? पहले यहाँ से तो निकलो, जल्दी निकलो। लगता है कोई तगड़ा माल हाथ लगा। अरे नहीं यार, ये लोग बहुत होशियार हो गए, कड़ी नजर रखते हैं। सिर्फ ये दो ही अंगूठे हाथ लगे हैं।
ये दो अंगूठियां। हाँ तो और क्या करती? 12-12 कैरेट की, इसमें तो सोना सिर्फ नाम का होता है यार। जगह जगह कैमरे लगे हुए थे, मुंह भी तो छुपा रहे थे ना कि कहीं शनाख्त ना हो जाए। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता तुम भी ठीक हो जाओगी। पर वैसे भी अगली बार गई तो पूरी तैयारी से जाना। चलो चलो अभी चलते हैं, इससे पहले कि कोई देख ले। किधर है यार, क्या सीन है? बोड़ी यार, शानी भाई बोल रहे अभी और टाइम लगेगा। किस बात का टाइम भाई, खड़े में ना सारे, क्या करूं मैं। बड़ी लंबी उम्र यार तेरी नोमी, कल ही तेरा जिक्र हो रहा था, क्यों फराज? क्या शानदार भाई, क्या यार ये कब ली? बस छोड़ो ना यार, आते इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। और यकीन मानो, दिल तो मेरा भी करता है तुम लोगों से मिलने को, लेकिन क्या करूं यार, टाइम ही नहीं मिलता। भाई तू ऐसा कर क्या रहा है जो यारों के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है? बस ऐसा ही समझ लो भाई, मट्टी को हाथ लगाऊं तो सोना बन जाती। क्या मतलब? मतलब छोड़, तू ये देख। अबे बिल्कुल ब्रांड न्यू मॉडल है यार, लेकिन बहुत महंगा लग रहा है यार। अबे तुझे पसंद है तो तू रख ले मेरी जान। अबे नहीं भाई, बहुत महंगा है, इसके लिए अपनी किडनी बेचनी पड़ जाएगी। अबे भाई रख ले, एक बार बोल दिया ना, रख ले तू, रख ले। वैसे फराज, तुझे तो इतना महंगा मोबाइल मिल ही गया, तो मैं क्यों ना लगे हाथों बैतिंग गंगा में हाथ धोलूं? अबे क्या मतलब है तेरा? अरे कहने का मतलब ये है कि मैं इसकी बाइक की थोड़ी तारीफ कर देता हूँ, हो सकता है आज मेरा दिन हो, अपना नोमी भाई को अपने तरस आ जाए और बाइक दान में दे दे। अरे वो याद आया, अपना शहरयार कहाँ होता है आजकल? अबे इसका कैमरा देखो यार। वैसे बहू, शाम की चाय का ना अपना ही मजा है। हाँ ना माँ, और अफजल भाई के समोसे और पकोड़े, हाय। अरे बिल्कुल ठीक कह रही हो, ले ना। अबे क्या बातें चल रही हैं सास और बहू में, अरे वाह बिस्किट चल रहे हैं आज। अरे बस शाम को बैठ जाती हैं दोनों चाय पीने। और तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं चलता, सारा दिन घर से गायब रहते हो, वैसे तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है अम्मा, बस आप दुआ करती रहो। बेटा जाके चाय तो बना के लेके आना मम्मी। हाँ हाँ अम्मा, अभी लाके। जल्दी आना। नोमी बेटा, ये बाइक किसकी खड़ी है? अब्बा मेरी खड़ी है, मेरी। पास नई बाइक कहां से आई? अरे वो अब्बा बताना भूल गया, कंपनी ने दी ना मुझे। बड़ी अच्छी कंपनी वाले हैं भाई, सारा दिन बिस्तर तोड़ने वालों को उठाकर नई बाइक दे दी। काम धंधा तुम कुछ करते नहीं,
जॉब पर जाते हुए तुम्हें कभी देखा नहीं, और फिर ये नई नई गाड़ियां। मियां समझ जाओ जरा, सारी जिंदगी हलाल खिलाया है तुम्हें। मैं देख रहा हूं तुम दोनों मियां बीवी को, मुझे आसार कुछ अच्छे नजर नहीं आते। आप क्या बच्चे के पीछे पड़ गए? वो कह तो रहा है कि कंपनी ने दिए, फिर फजूल बहस किए जा रहे हैं। मैं जरा ऊपर रूम में हूँ, आराम कर रहा हूँ। अब्बा। वालेकुम सलाम, बैठो बेटा। तुम्हारे आसार भी मुझे कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। क्या मतलब अब्बा? मैं कुछ समझी नहीं। ये नई नई बालियां, झुमके, ये सोने की अंगूठियां, ये जो तुम हर वक्त पहने रहती हो, कहां से आ रही हैं ये? अब्बा आप जरूरी थोड़ी ना कि हर बार बता के की जाए, और वैसे भी मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, हम चार दोस्तों ने मिलकर शुरू किया है, और आपकी दुआ से बहुत बरकत है उसमें। अच्छा अच्छा, तुम रोजाना वहाँ उन लड़कियों के पास जाती हो? जी, हम सब एक ही घर में काम करते हैं, आप बस दुआएं देते रहे। फजूल के शक करने से ना कारोबार से बरकत उठ जाती है। हो गई तसल्ली, ख्वा मखा बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं। अरे मेरे बेटे को बैठकर चाय भी नहीं पीने दी सुकून से। अबे यार वो 200 रुपए दे दे यार, शायद भाई के देने। मैंने अबे उस दिन भी तुझे हराया था, जाके दे पैसे। अबे वो देख, ठीक है मेरा पर्स, उसमें मेरे पैसे थे, मेरी अम्मी का दवाई का पर्चा भी उसी में ही था। बहन आप ठीक हैं? आपको लगी तो नहीं कहीं? कैसे कैसे लोग हैं यार दानिश, आते लूटते और चले जाते। आप रोए नहीं, आप सबर करें, ऐसा करें आप घर चले जाएं। लेकिन मेरा पर्स तो वो ले गए ना। ये कुछ पैसे हैं, और इससे अपनी अम्मी की दवाई खरीद लिएगा। नहीं नहीं। अरे बहन ये रख लें, ये आपके हो सकता है काम आ जाए। नहीं नहीं शुक्रिया, अरे आपका बहुत शुक्रिया। नहीं प्लीज रख लीजिए, ये लें, ये रखिए, रख लीजिए। और ऐसे आप अकेले घर से बाहर मत निकला करें, आजकल जमाना बहुत खराब हो गया है, कोई किसी की इज्जत नहीं करता। अबे साले तूने सारे पैसे उसको दे दिए, अब मुझे कौन खाना खिलाएगा? यार मैं तो बहुत परेशान हो रहा हूँ, उस बेचारी की तूने हालत देखी है? और यार अम्मी ने जो सौदा मंगाया था उसके सारे पैसे तो मैंने उसको दे दिए, अब सौदा कहाँ से खरीदूँगा? अम्मी तो जान ले लेंगी मेरी। तू एक काम कर, तू मेरे साथ मेरे घर चल, दोनों भाई साथ बैठ के खाना खाते हैं। मेरी अम्मी ने खाना बनाया है, और तेरी अम्मी ने ना ताज़े ताज़े जूतों से तेरा स्वागत करने के लिए ना तेरे वो जूते तैयार रखे होंगे। मुझे उस बेचारी का रोना देखा नहीं गया, पता नहीं किस मजबूरियों किस हालात के तहत हमारी माँ बहनें घर से बाहर निकलती हैं। और यार इनका कुछ करना पड़ेगा फराज। हाँ यार बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है, आ जा। कराची में एक दफा फिर स्ट्रीट क्राइम के गहरे बादल मंडराने लगे, आखिर इन जराइम पेशा अफराद को लगान कौन डालेगा? भर में जराइम की वारदातों में कमी ना आ सकी, अवाम जाए तो जाए कहां, और आखिर कब तक वो अपनी इस बेबसी का रोना रोते रहेंगे? पुलिस ने अपना नेटवर्क बिछाया हुआ है, फिर भी बच जाते हैं कमीने लोग। नहीं यार मैं नहीं खाना। अरे नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे तो खा ले। शेरी
वो तो तुम लोगों का जो हर प्लान है ना वो फेल ही जा रहा है। अबे फायदा क्या होता है, यहाँ पकड़ते हो वहाँ 100 या 200 रुपए लेके छोड़ देते हैं। अबे यार पिटेगा तुम उससे। हाँ हाँ सच तो कड़वा ही होता है ना भाई। अबे ऐसा नहीं है यार, तुम लोग गलत सोच रहे हो यार। अरे यार ये सारी बातें छोड़ो, मोबाइल तो दिखा जो नौवीं भाई ने दिया है। नौवीं ने इतना महंगा मोबाइल, ये तो वही मोबाइल है ना जो रिसेंटली अभी आया है। हाँ भाई वही है भाई साहब, के तो टशन ही चेंज हो गए, नई बाइक, ब्रांड न्यू कपड़े, और तो और तोहफे तो ऐसे बांटता फिर रहा है जैसे अलादीन का कोई चराग हाथ लगाओ। वैसे नौमी के वाली साहब नॉर्मल मतलब मामूली गवर्नमेंट टीचर नहीं है तो नौमी ऐसा कौन सा काम कर रहा है जो इतना सखी हो गया? यार हमने उससे पूछा था, टाल गया, बोलता बिजनेस कर रहा हूँ, मसरूफ हूँ। अबे छोड़ो ना यार, वैसे भी हमें आम खाने से मतलब है, पेड़ गिन के किसी को क्या फायदा होना है। वैसे शरीर नौमी तुझे बहुत याद कर रहा था भाई, तो उससे मिलना ही पड़ेगा। ठीक है एक डिनर प्लान कर लेते हैं, उसको भी वहां बुला लेंगे। हाँ बुलवा लो, मैं भी तो देखो आखिर नौमी में इतनी तब्दीली कहाँ से आई है। कोई तब्दीली नहीं आई भाई, और तू ना उसको पुलिस वाली मशकूक नजरों से देखना बंद कर दे। दोस्त है हमारा, यार है वो हमारा, बचपन का साथ है, और तुझे पता नहीं उसका बाप कितना सख्त है, एक सिगरेट पीने पे कैसे उसको मारते हुए लेके जाता था। और तू भी छोड़ यार। सही चलो सही है ला चना के लानी है। ये अचानक नौमी के पास इतना सब कुछ कैसे आ गया? जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ नौमी शुरू से एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती है। अरे नहीं नहीं ये सब क्या सोच रहा है तू शरियार, अब यार किसी के बारे में मशकूक ख्यालात नहीं रख, कुछ मेहनत वेहनत करके बना लिया होगा यार। अबे यार फराज तू भी ना कहीं भी मौका पहले देखे बगैर कहीं भी कुछ भी बोल देता है। वैसे ये नौमी किधर है यार? यार अभी कॉल पे बात हुई है, कह रहा है 10-15 मिनट में आता हूँ। अबे भाई ऑर्डर कर लेते हैं, जब तक वो आएगा खाना भी आ जाएगा। अबे यार तेरी आदत बिल्कुल अच्छी नहीं है साले, आज भी तो भूख का उतना ही अच्छा है। वैसे फराज एक बात तो बता, बिल कौन देगा? अबे भाई मैं तो अपना वॉलेट घर भूल आया हूँ। अबे तू टेंशन क्यों लेता है कि पुलिस वालों की दोस्ती किस दिन काम आएगी? अबे हाँ मैंने बुलाया भाइयों, तो बिल भी मैं ही दूंगा यार। अबे देख लेना ऐसा ना हो बर्तन धो के जाना पड़े। एक चुप ओए नौमी की कॉल आ रही है। हाँ नौमी अंदर अंदर का। हाँ आजा इधर आजा। अरे शहरयार भाई। अरे अबे कहाँ रहे वो? बस फर्स्ट क्लास मेरी जान। अरे बस कर मारेगा क्या? अरे नौमी शहरी भी तुम्हें इतनी ही शिद्दत से याद कर रहा था। अबे छोड़ वे जानी, इतना ही मुलाकात का इंतजार होता तो आके मिलना लेता।
इंतजार किस बात का था? अबे भाई अपने शेरियार भाई दे रहे हैं ट्रीट। अरे ना कर, अबे किस खुशी में दी जा रही है ये ट्रीट? सब खैरियत तो है? अरे हाँ भाई सब खैरियत ही है। सबसे पहले अपने भाई की लगी पुलिस में नौकरी, उसके बाद माशाल्लाह अपनी कारकर्दगी से भाई की प्रमोशन हो गई। क्या क्या तो तुम पुलिस में हो? हाँ पुलिस में, ताकि तुम जैसे लोगों को इस शहर से खत्म कर सको। क्या हुआ नोमी? नोमी क्या हुआ? अरे अरे कुछ नहीं। क्या हो गया? तो ऐसे डर है जैसे मैं पुलिस में हो गया हूँ तो तुझे पकड़ लूंगा। और सुना बड़ा तब्दील हो गया है? अरे तब्दील क्या होना है, बस तुम लोगों की दुआएं हैं। यार दानिश पता धोकर खाना खा रहे। एक्सक्यूज मी इधर आना। यार मुझे एक जगह जाना है तो मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। अबे नोमी बैठना, खाना बस आता ही होगा। अरे तुम लोग खाओ ना खाना, मैं फिर मिलता हूँ ना तुम लोगों को, फिर मुलाकात होती है ना तुम लोगों से। नोमी इसे क्या हुआ? वो मिनट भी ठीक से नहीं बैठा, ऐसी क्या जल्दी है भाई? कुछ तो गड़बड़ है। क्या क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं, लोगो खाना खा रहा गया। ये लो आ गया। यार शेरी जल्दी आया, ठंडा हो जाएगा खाना। अरे हाँ भाई सब खैरियत ही है। सबसे पहले अपने भाई की लगी पुलिस में नौकरी। ऐसे डरा जैसे मैं पुलिस में हो गया हूँ तो तुझे पकड़ लूंगा। तुझ जैसे लोगों को इस शहर से खत्म कर सकूं। क्या हुआ नोमी, तुम्हारी हवाइयां क्यों उड़ी हैं? कुछ नहीं सर, ठीक है। चलो खैर, बीवी हूँ मैं तुम्हारे, तुम्हारा चेहरा अच्छे से जानती हूँ। बताओ क्या बात है? आज दोस्तों की तरफ गया था। तो वही शहरयार और फराज की तरफ। शहरी पुलिस में भर्ती हो गया। क्या शहरी पुलिस में भर्ती हो गया? हाँ ना, यही तो टेंशन खाई जा रही है। तुम तो जानती हो वो पुलिस वाला है, और पुलिस वाले तो आए दिन इन्हीं कामों में मशगूल रहते हैं कि हम जैसे क्रिमिनल्स को पकड़ सकें। मुझे बस यही खौफ खाया जा रहा है कि मेरी कोई वीडियो, कोई पिक्चर या कोई मालूमात ऐसी कोई उस तक ना पहुंच जाए। शायद वो क्या हो गया नोमी, किन सोचों में पड़ गए हो? ऐसे कैसे पकड़ लेंगे, ऐसे कैसे उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा? और वैसे भी अब आप बड़े हो गए, शादीशुदा है, आपकी बीवी है। मैं तो कहती हूँ बचपन की दोस्ती यारियों को छोड़ें और अपने इन दोस्तों से भी मिलना जुलना खत्म करें। यही करना पड़ेगा।
क्या हुआ भाई? खैरियत तो है सर? अरे भाई सांस तो ले ले। पापी, 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 क्या हुआ? पापी ने गाड़ी निकलवाई थी। नहीं, इतना घबराया हुआ क्यों है? बैठ। पापी और भैरोही दोनों आउटिंग पे निकले थे। हाँ। और तुझे पता है क्या हुआ? क्या? दो लोग आए और गाड़ी छीन के ले गए। ओह शिट। पापी बहुत परेशान है यार। क्या बोल रहा भाई तू? तुझे पता है मेरी भांजी हालिया भी उनके साथ थी, उसके तो सर पे गन रख दी उन्होंने। बचा तो गई यार दानिश। आप ही बहुत परेशान है। हाँ यार तू सही बोल रहा है भाई, जिसका दिल करता है वो लूट के चला जाता है। ना हम घर में महफूज है और ना ही बाहर। अच्छा एक बात बता, तेरे बहनों ने थाने में कंप्लेन करवाई? उन्होंने तो उसी वक्त कंप्लेन करा दी थी यार। मैं तेरे पास इसलिए आया हूँ, तू चल मेरे साथ, हम लोग शेरियार के पास चलते हैं, अब वही है जो हमारी मदद करेगा। हाँ हाँ भाई तू सांस ले, हम चलते हैं। मैं जरा एक मिनट अंदर से आ रहा हूँ, रुक फिर चलते हैं। मैं आ रहा हूँ बस। कहाँ जा रहे तू? बस मैं अंदर से शर्ट चेंज करके आ रहा हूँ और तेरे लिए पानी भी लेके आ रहा हूँ। अपने आप को संभाल भाई, आ रहा हूँ जल्दी। आ कितनी अच्छी गाड़ी थी यार, मुझे दिल से पसंद थी। कल ही मैंने हानिया का नाम लिखवाया था उसपे। क्या हो गया यार? बस कर दे, अब इतनी भी अंधेरी मची हुई, एकदम इतनी बड़ी गाड़ी ऐसे कैसे गायब हो जाएगी? छोड़ गए कहीं पैनल वगैरह निकाल के। तू घबरा नहीं, हम शेरियार के पास चलते। चल उठ। बस हैं अभी दुनिया में ऐसे बेवकूफ के, गन दिखाओ और चाबी हाजिर। वाह यार, मुझे भी सैर करा के ला। शीशा भी है। मैं अपने दुपट्टे से साफ तो कर लूं, कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं। मेरा बस चले तो मैं पूरी रात इसी में घूमती रहूं। हाय पूरी रात इसमें घूमती रहूं, पूरी रात इसमें घूमती रहूं। नई गाड़ी है, जितनी जल्दी हो सके इसे ठिकाने लगाना। हाय न जाने कब हमारी जिंदगी से ये डर और खौफ के दिन निकलेंगे। मायूस क्यों हो रही है? अम्मा अब वैसे भी जा रहे हैं लाहौर छोटी के पास, और उसके बाद हम भी प्लान बना रहे हैं लाहौर जाने का। वहीं अपना अच्छा सा घर बनाएंगे, ना किसी किस्म का खौफ ना डर, आराम से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और वैसे भी इतने अरसे में हमने इतना तो कमा ही लिया है कि अगले 4-5 साल तो आराम से गुजारेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी अब हमारे यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अगर लोगों के सामने सारी बातें आ गई तो मुसीबत आ जाएगी, और वैसे भी आपका एक दोस्त पुलिस में, तो बेहतर यही होगा कि हम अपनी जिंदगी के आने वाले साल कहीं और गुजारें। बस तुम यही समझो कि हम हनीमून मनाने जा रहे हैं, वो भी अम्मा और अब्बा के साथ। यार तू टेंशन क्यों लेता फराज? शरियार ने बोला तो कि गाड़ी मिल जाएगी, और उसने हर जगह चेकिंग भी सब कर दी है। बस तो अपनी बहन को तसल्ली दे भाई। आप ही तो बस जान बचने पर ही शुक्र अदा कर रही है। हानिया के सर पे गन रखी ना उन्होंने, वो तो इसी बात से खौफ जदा है। हाँ यार वैसे ये लोग होते बहुत जल्लाद हैं, बच्चों तक को नहीं देखते।
और अगर इनको जरा सा भी लगता है कि सामने वाला मजामत कर रहा है तो अल्लाह माफ करे। नोमी बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया तूने, दो तीन दिनों से था कहाँ? अभी बताया तो था, वो काम काज ही इतना होता है, टाइम ही नहीं मिलता कुछ करने को। अबे फराज, अभी अब ये गाड़ी मत मांग लीजिए मुझसे, और तेरी भी मेरी हर चीज पर नजर रहती है, कल ही शोरूम से निकलवाई है नजरबाज। बड़ी शानदार गाड़ी है यार, नाम किसका लिखा हुआ है पीछे? वो बची है ना, बस जिद कर रही थी, मेरा नाम लिखवाओ तो लिखवा दिया। वाह यार, तू अब बच्चियां भी पालने लग गया यार। वो होता है कभी कभी, तुम तो जानते ही हो। तो जानते ही है यार। क्या बात है, गाड़ी का कलर भी काफी शानदार है, देख रहा है दानिश, काला रंग 2021 ब्रांड न्यू, और पीछे नाम भी लिखा है आनिया। चलो मैं निकलता हूँ, प्लान बनाते हैं कभी, इंशाल्लाह सेटिंग करते हैं। पांच मिनट तो रुक, पांच मिनट करते हैं मुलाकात का प्लान। ओह माय गॉड, दानिश ये तो आप ही की गाड़ी है यार, इसे हमने कहां कहां नहीं ढूंढा। क्या तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूं? चल उठ, चलते हैं उसके पास, अब वही कुछ कर सकता है हमारे लिए, चल। मुझे तो नौमी में पहले ही शक हो रहा था, अब तुम लोग बता रहे हो तो यकीन हो गया है। नोमी गलत धंधों में पड़ चुका है, जब भी तो इतनी ऐशें हो रही थी। तो करना क्या है अब, जब पता चली गया है कि गाड़ी उसके पास है तो फिर पुलिस उसे पकड़ती क्यों नहीं है? सबर फराज सबर, कुछ कानूनी तकाजे होते हैं जिन्हें पूरा करना हमें जरूरी होता है, मुजरिम को सबूत के साथ पकड़ेंगे तो उसका पकड़ा जाना आसान हो जाएगा। क्या सितम ज़रीफ़ी है यार, कल के पुराने यार को आज मुजरिम के नाम से पुकारा जा रहा है। मुजरिम को मुजरिम ही पुकारेंगे मेरे दोस्त, उसने अपने लिए जो शॉर्टकट चुना है उसका अंजाम उसको भी पता है, आज नहीं तो कल उसको कानून के निर्णय में आना ही था। मैंने वारदात की कुछ फुटेजेस निकाली है, आओ तुम लोगों को दिखाता हूँ। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा यार? एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। क्यों ना हम नोमी को एक और मौका दे सुधरने के लिए। क्या मतलब? अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि नोमी को एक और मौका दिया जाए और पुलिस को इस मामले से दूर रखा जाए तो हो सकता है वो सुधर जाए और राय रास्त पर आ जाए। मतलब तुम कह रहे हो कि नोमी तुम्हारी बात मान जाएगा और जो तुम अपना जुर्म भी कबूल कर लेगा? यार मतलब बहुत भोले हो तुम लोग यार। एक मिनट, अगर हम दानिश की बात माने यार, शेरी नोमी दोस्त है यार हमारा, यार है वो अपना, और क्या पता वो सुधर जाए, कम से कम हमें ये तसल्ली तो रहेगी कि हमने पूरी कोशिश की थी। ठीक है, मिलाओ उसको। शेरी के फोन से नहीं, फराज तो अपने फोन से कॉल कर। हेलो,
नोमी क्या हाल है? ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई? रात को इस बेराने में बुला लिया, सब खैरियत तो है ना? वो कुछ बात करनी थी तुझसे असल में, तभी यहाँ बुलाया है। हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो, मेरा वक्त जरा कीमती होता है और तुम लोगों को सिर्फ पैसे ही चाहिए होते हैं। कितने पैसे चाहिए तुम्हें बोलो? हमें नहीं चाहिए किसी मजलूम से छीना हुआ पैसा। क्या बकवास कर रही है? मैं बकवास नहीं कर रहा। अरे तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई है नोमी। हमें पता चल गया है नोमी कि तू क्या बिजनेस करता है। ये गाड़ी, ये पैसा, ये कहाँ से आता है तेरे पास? तुझे जरा भी शर्म है? जिन गरीब लोगों से तू ये लूटता है, तुझे पता है वो किस मेहनत और मुशक्कत के साथ ये पैसे कमाते हैं? पागल हो गया क्या तू? क्या क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम लोग, और भूल जाओगे हम लोग कभी दोस्त हुआ करते थे, समझे? जिस गाड़ी की तरफ तू बड़ी शानदार तरीके से बढ़ रहा है, तुझे पता है वो किसकी है? किसी की भी हो, अब मेरी है, समझे? अरे यार तू पागल हो गया यार नोमी, ये गाड़ी फराज के बहनोई की है और इस गाड़ी पे तो FIR भी दर्ज हो चुकी है थाने में। अच्छा तो इसलिए उस दिन तुम दोनों इतना उछल रहे थे वो गाड़ी देखकर। उस साले को तो उसी दिन ठोक देना चाहिए था, तो उस बच्ची की वजह से मैं ज्यादा स्मार्ट बन रहा था वो। चलो अच्छा है तुमने अपना जुर्म खुद ही कबूल कर लिया, तो अब गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार हो जाओ। यार नोमी सारे सबूत तेरे खिलाफ है, अगर तू चाहे तो हम लोग तुझे एक और मौका दे सकते हैं, आखिर तू अपना यार है यार। अबे चल बे, जिस गैंग में मैं होता हूँ ना वहां कोई रिश्ते विश्ते नहीं चलते, ना बाप ना बेटा ना भाई और ना तुम जैसे दोस्त। दानिश रहने दे, इससे बात करना बेकार है, तुम्हारी वजह से इसको एक मौका दिया था मगर ये बाज आने वाला नहीं है। मिस्टर शहरयार, तुम जैसे पुलिस वाले ना मैं अपनी जेब में लेके घूमता हूँ, और अपनी ये न्यू प्रमोशन शानपति में जाया मत करो। हेलो, एक बार जेल की आवाज आएगा ना तो लग पता जाएगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि तुम किस शान से मुझे लेके जाओगे। अगर तुम्हें चलना है थाने तो चलो मेरे साथ, चलो आओ, एक फोन पे मुझे तुम उसी शान से वापस जोड़ के जाओगे घर। चलो ऐसा ही करते, तुम्हारी ये खुशकिस्मती भी खत्म कर देते हैं। पता है तुझ जैसे नासूर का ना खत्म हो जाना ही बेहतर है, ताकि बाकी आवाम भी महफूज रह सके। अबे शहरयार हम तो दोस्त हैं यार, अबे फराज समझा इसे यार, अबे इतनी पुरानी यारी कैसे भूल सकता है तू यार। जब तू भूल गया था कि तू भी इंसान है, तुझ जैसे नासूर के ऊपर अपनी आवाम को नहीं छोड़ सकता मैं। कानून से बच जाएगा जिंदा रहेगा तब ना, कानून तुझे सजा नहीं देगा मगर हम तुझे नहीं छोड़ सकते।
जी सर, डाकू था, मारा गया सर। गाड़ी बरामद हुई है सर, FIR कटी हुई है उस पर। जी जी सर, मजामत कर रहा था सर। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।